जिसको भी ड्राइंग क्राफ्ट में, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, वो एक्सक्लूसिव आर्ट इसमें पार्ट अगर भाग लेगा तो 30 नहीं, फिर पुट मोर देन 70 आवर्स, 100 आवर्स है। वो कैसे? I'm coming to it. Art Expo is already announced for the next, for this year, current year. Beat me pandemic mein we couldn't have the Art Expo, but last year we did conduct the Art Expo collection, but we did not have the exposition. This year we'll combine that expo and this expo and do it in one place. In fact, we're planning to do it in two places. Now, what is the whole expo about? Ye samajh lo pehla. Uske baad samjho is saal mein change kya laya hai. तो अगर आप में आर्टिस्ट छुपा हुआ है, आपके अंदर आर्टिस्ट छुपा हुआ है, यू नो यू हैव अ इंटरेस्ट फॉर पेंसिल आर्ट, यू हैव इंटरेस्ट फॉर ड्राइंग, यू हैव इंटरेस्ट फॉर स्केचिंग, यू हैव इंटरेस्ट फॉर पेंटिंग, यू हैव इंटरेस्ट फॉर लुकिंग एट समथिंग एंड ड्राइंग द सेम थिंग, यू हैव इंटरेस्ट फॉर पुटिंग ऑयल कलर्स, यू हैव इंटरेस्ट फॉर पुटिंग वाटर कलर, यू हैव इंटरेस्ट फॉर यूजिंग स्केच पेन, यू हैव इंटरेस्ट फॉर यूजिंग क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स, एनी सच मीडिया यू हैव इंटरेस्ट टू पुट ऑन कैनवस, then art is going for you. क्या करना है? घर पे बैठके दिए गए टॉपिक पर, टॉपिक ऑलरेडी दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, दिए गए टॉपिक पर आपको A4 साइज पेपर, A4 साइज पेपर, ऐसा नहीं ऐसे रखना है साइडवेज, A4 साइज पेपर, यानी कि दिस इज A4 साइज, ये साइडवेज है, A साइज पेपर को आपको उस पर ड्रॉइंग करना है, ड्रॉइंग, पेंटिंग, ड्रॉइंग, कलरिंग, ओनली स्केचिंग, योर चॉइस। वो करने के बाद आपको यहां सबमिट करना है। नाउ दिए हुए टॉपिक पर आपको ड्राइंग पेंट करके सबमिट करना है। नाउ क्वेश्चन इज कब करना है, कितने ड्राइंग सबमिट करना है, कितने पहले सबमिट करना है, ये सारा व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है। नाउ दिस इज अ मल्टी लेवल कॉम्पिटिशन, मल्टी लेवल मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का टॉपिक रिलीज कर दिया गया है। लेवल 1 के टॉपिक पर यू हैव टू डू एटलीस्ट वन पेंटिंग, कितना पेंटिंग करना है, वन पेंटिंग करके देना है, लेवल 1 एनी वन टॉपिक पर वन पेंटिंग करके यहां सबमिट करना है। एक बार आपने एक पेंटिंग सबमिट किया जिसका डेट है 5 तारीख, 5th of January, अगर आपने सबमिट किया 5th of January को, दैट मींस यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द Art Expo, यानी कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, उसी के पीछे आपको नाम, बाकी डिटेल लिखना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आना, पीछे क्या लिखना है वो लिख के आप दे दिया, मतलब यू आर पार्ट ऑफ द Art Expo। अभी वंस यू आर पार्ट ऑफ द, व्हाट हैपेंस टू दिस, सारे लेवल के प्रिंटिंग को हम कलेक्ट करते हैं, जब सारा 3 लेवल होने का कलेक्ट करते हैं, देन वी हैव अ ज्यूरी, यानी पैनल ऑफ जजेस हु आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है उनको हम बुलाते हैं स्कूल में, वो जब आपके पेंटिंग को देखते हैं, देखने के बाद उनमें से बढ़िया पेंटिंग चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एंड दे साइन देयर दैट दिस इज एन एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट। किसी का एक पेंटिंग सेलेक्ट होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 5 भी सेलेक्ट होता है कि दिस इज एन एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट, और ये एक्सेलेंट बड़ा जूरी सेलेक्ट करता है कि आपका पेंटिंग सेलेक्ट हो गया। नाउ कोई भी आपने देखा होगा, अब एक काम करते हो एक बार सेटिस्फेक्शन मिलता है, खाना खाया सेटिस्फेक्शन मिला, पिक्चर देखा सेटिस्फेक्शन मिला, म्यूजिक सुना सेटिस्फेक्शन मिला, एक काम एक सेटिस्फेक्शन, ऐसा काम है जो एक बार करोगे और कहीं बार सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत बार सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं समझाता हूं कैसे। नंबर 1, आपको अंदर आर्टिस्ट है, आपको इंटरेस्ट है, तो जब आप बैठ के घर पे पेंटिंग करते हो, बैठ के करते हो, देख के करते हो, खड़े करते हो, डर ना कर, जब आपको इंटरेस्ट है, आप पेंटिंग करते हो, तो सबसे पहला सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, करेक्ट? बोलो हाँ, करेक्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट है तो पनिशमेंट है, तो फर्स्ट टाइम यू गेट सेटिस्फेक्शन व्हेन यू आर डूइंग द आर्ट और व्हेन यू आर लर्निंग टू डू द आर्ट विद समबडी। पापा को मालूम है, आके पापा सिखाते हैं, आप कर रहे हो, फाइन, आपको इंटरेस्ट आप कर रहे हो, तो फर्स्ट टाइम यू गेट दैट सेटिस्फेक्शन। अगर आपका पेंटिंग सेलेक्ट हो गया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो परमानेंट लाइफ लॉन्ग है, वहां लिखा रहता है दिस इज प्रेजेंटेड टू SKCN अनन्या जल, SKCN योर नेम इज देयर, सो एंड सो, एंड बिकॉज 3, 4, 5 वन पेंटिंग इज सेलेक्टेड एज एन एक्सेलेंट पीस ऑफ आर्ट, सर्टिफिकेट मिलते हैं, यानी आपका पेंटिंग को सेलेक्ट किया गया बाय एन एमिनेंट पैनल ऑफ जजेस।
फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, ऐसा बोल गया जजेस ने आपको सेलेक्ट किया, इसलिए आपको ये सर्टिफिकेट कन्फर किया गया वो भी मिलता है। ये सर्टिफिकेट मिलते ही सेकंड टाइम सेटिस्फेक्शन के खुश हो गया। अभी और एक लाइन वहां लिखा सर्टिफिकेट में लिखा रहता है दिस पेंटिंग दीज पेंटिंग्स, एक लिखा दिस चार सेलेक्ट दीज दीज पेंटिंग्स आर नाउ एलिजिबल टू बी सेंट अप फॉर द आर्ट एक्सपो। जो भी पेंटर सेलेक्ट हुआ आपने अनंत 10 पेंटिंग सबमिट किया और 10 में 4 सेलेक्ट हो गया तो वो 4 एलिजिबल है, वो बाकी 6 एलिजिबल नहीं है। अभी 4 सेलेक्ट हो गए इज एलिजिबल टू गो फॉर द आर्ट एक्सपो। अभी अनंत को हम बोलते हैं कि आपको आपका पेंटिंग फ्रेम करना है, फ्रेम मतलब ऐसे फ्रेम लगाना पड़ता है, ये फ्रेमिंग का चार्ज लगता है ना, तो फ्रेम दुकान वाले लेगा ना, सो अनंत पेस 500-600 rupees फॉर फ्रेमिंग। अभी कोई भी आर्टिस्ट दुनिया में होता है उसका बड़ा सपना होता है, सपना ये होता है कि मेरा पेंटिंग किसी आर्ट गैलरी में लगे, दैट्स द रिकॉग्निशन फॉर अ पेंटर। ओके, मेरा पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगे, कोई भी पेंटर को बड़ा सपना होता है कि उसका पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगना चाहिए। लोगों का आधी जिंदगी निकल जाती है लेकिन पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगता नहीं है, बड़ा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। SKC ने ऐसा किया है कि वी हैव मेड अ प्लेटफॉर्म जहां पर अपने यंग बडी आर्टिस्ट का पेंटिंग आर्ट गैलरी में इसी उम्र में लग जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप सेलेक्टेड पेंटिंग को फ्रेम करवाते हो, यानी यू पे आवर पर्सन दे फ्रेम इट। फ्रेम करने के बाद आर्ट एक्सपो में वहां पर लग जाता है। कहां होता है आर्ट एक्सपो, पिछला 7 साल से वी आर डूइंग कंटिन्यूअसली द आर्ट एक्सपो इन कोहिनूर होटल अंधेरी, फाइव स्टार प्रॉपर्टी, महाराष्ट्र का एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी का होटल है, उनके ग्राउंड फ्लोर लॉबी में आर्ट गैलरी में हम अपना बच्चों का पेंटिंग एग्जीबिशन, कौन सा होटल में लगता है, एक स्टार होटल में लगता है। कौन इनोग्रेट करता है, एक स्टार पर्सनालिटी इनोग्रेट करता है। और उस दिन इनोग्रेशन के दिन हम बड़े बड़े गेस्ट को बुलाते हैं लिमिनरीज, और गेस्ट के हाथों में वहां पर आपको जिसका पेंटिंग लगा हुआ है उसको हम सम्मानित करते हैं, हम उनको ऑनर करते हैं। कैसे ऑनर करते हैं, हम उनको मेडल देते हैं। सपोज एक बच्चे का एक पेंटिंग लगा, एक पेंटिंग, तो हम उसको ब्रॉन्ज मेडल देते हैं, 2 पेंटिंग लगा तो सिल्वर मेडल देते हैं, एंड 3 पेंटिंग लगा तो गोल्ड मेडल देते हैं। और ये मेडल ओलंपिक साइज मेडल है, दे आर हेवी मेडल्स, एक एक मेडल इज अबाउट 300 ग्राम। So, हम उनको 3 पेंटिंग का लगा उसको वहां पर गोल्ड मेडल देते हैं। मैक्सिमम पेंटिंग सेलेक्ट हो जाए तो मैक्सिमम पेंटिंग सेलेक्ट करने के लिए बहुत पेंटिंग देना पड़ेगा, किसने 3 लेवल की है, अगर आपने ज्यादा पेंटिंग दिया तो ज्यादा पेंटिंग जाने का चांसेस है। नाउ एक बार आपको वहां पर मेडल मिला, साथ में और एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ डिस्प्ले, दिस इज सर्टिफाइड दैट आर्टिस्ट बड़ी आर्टिस्ट अनन्य यादव का 3 पेंटिंग एक्सक्लूसिव आर्ट एक्सपो में कोहिनूर होटल में ये 10 दिन के लिए लगा हुआ है, ऐसा बोलकर सर्टिफिकेट मिलता है। अब अनन्य के पास 2 सर्टिफिकेट हो गए और 1 मेडल हो गया, अंडरस्टूड। तो जो भी अपना आर्टिस्ट पेंट करता है उसको अभी 3rd बार सेटिस्फेक्शन मिला। पहली बार सेटिस्फेक्शन कब मिला, जब उसने ड्रॉइंग किया। सेकेंड का सर्टिफिकेट कब मिला, जब उसका पेंटिंग सेलेक्ट हो गया और उसको सर्टिफिकेट मिला। एंड थर्ड टाइम कब मिला उसको सेटिस्फेक्शन, जब उसको मेडल मिला, जब वो फ्रेम होके लग गया। अब क्या करता है, नाउ व्हाट डू यू डू, अभी आप क्या करते हो, अभी वी आर ट्राइंग, अंधेरी दूर होता है, फाउंड मेनी पीपल कैन नॉट कम, सबके पास गाड़ियां नहीं, अंधेरी दूर है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इस साल वे मेरे अटेम्प्ट कि हम आर्ट एक्सपो को वसई में लेके आए, फिर चौधरी बिग मॉल दत्तानी मॉल में करने का कोशिश कर रहे हैं। तो दैट आप अपने फ्रेंड्स नेबर सबको बुलाओ, वो लोग भी अपना ACVC ठीक कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास एग्जीबिशन दे रहे, ताकि हमारे लोग यहाँ पर भी विजिट कर सके ना। आप क्या करते हो, सपोज आपका पेंटिंग वहां लग चुका है, आप अपने फ्रेंड्स नेबर्स अंकल आंटी सबको बोलते हो मेरा पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगा है जाके देखो, और आप खुद भी वहां आते हो मेडल पहन के पेंटिंग के सामने खड़े के फोटो निकालते हो, और वो फोटो को तुम्हारी मम्मी पापा तुम फेसबुक में इंस्टा में सब जगह डालते हैं, और एक बार वहां डाल दिया तो वो सालों साल तक उसमें रहता है। यानी आप 20 साल बड़े हो जाओगे, आप मम्मी बन जाओगे, आप पापा बन जाओगे, लेकिन वो पोस्ट वहां रहेगा, आप दिखाओगे सबको, देखो आई माय पेंटिंग वाज सेलेक्टेड। दैट इज द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, अच्छे पर यूज करने का तरीका ये होता है। तो अभी सबको मालूम पड़ गया कि सो एंड सो की बेटी आर्टिस्ट है,
स्वयं सुबह बेटा आर्टिस्ट है, इसका पेंटिंग आर्ट गैलरी में लगा हुआ है, तो वो अंकल आंटी अगर वहां देखने जाते हैं तो वह अपने कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, वाह अनन्या आपका पेंटिंग वहां लगा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़े आर्टिस्ट हो। और कोई भी अंकल ऐसे होते हैं जो पेंटिंग खरीदता भी है, हम उस पेंटिंग पर प्राइस टैग लगाते हैं 2000 रुपीज, 2000 कॉन्स्टेंट प्राइस, एक पेंटिंग 2000 रुपया। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बेचे। पिछला 7 साल में से 2 साल 100% पूरा सोल्ड आउट हो गया और बाकी 5 साल 90% पेंटिंग बिक गया है। क्यों बिकता है? क्योंकि उसमें चैरिटी एंगल है। हम वहां पर अंदर में क्या करते हैं, वहां के होटल के लोग में जो रहते हैं वो 8 दिन उनको हमेशा इन्वाइट करते हैं कि आ जाओ और आप हमारा बच्चों का आर्टिस्ट को देखो। एक ही होटल है, आसपास के जितने फर्स्ट होटल है, लीला ललित जितने भी होटल आसपास है, सारे होटल के लोगों को हम इन्वाइट करते हैं, वहां बैनर लगाते हैं, टुडे आर्ट एक्सपो चालू है आपके बाजू वाले होटल में, आप आइए देखिए। तो जो फर्स्ट होटल में रहते हैं उनको सुबह नाश्ता करने का टाइम पास है, वो लोग भी आते हैं और वो आर्ट एक्सपो में घूम के पेंटिंग देखते हैं। और अभी लॉट टूरिस्ट बॉम्बे आते हैं, टूरिस्ट अमेरिकन यूरोपियन अफ्रीकन आते हैं, राइट। जब टूरिस्ट आते हैं वो लोग बॉम्बे दर्शन करते हैं, उनको बॉम्बे दर्शन में बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका सिटी बहुत अच्छा है, वो लोग क्या देखने जाते हैं बॉम्बे में धोबी घाट। तो उनकी जब बस घूमती है हम उनको बात करते हैं आपकी बस को यहाँ भी घुमाओ, तो वो टूरिस्ट का बस 8 दिन रोज 6-6 बस हमारे पेंटिंग देखने आते हैं। And when they come here, they see the painting. उनके लिए 2000 रुपया नहीं है, उनके लिए है $30, $28 बोलेंगे $28 वहां तो चाय भी नहीं मिलती है, $28 यूरोपियन के लिए 20 यूरोस है ना, एक कोल्टी के लिए हार्डली 11 दिनार 11 दिनार वेरी इजी, अंडरस्टूड। एक दुबई के पर्सन के लिए कितना 20 रुपए है, एक दिरहम कितना है 22 रुपया, 28 तो इट कम्स टू 70 दिरहम्स, ओनली 70 दिरहम्स, 70 दिरहम वहां कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं वो लोग इतने वेरी चीप, तो वो लोग एक पेंटिंग नहीं खरीदते हैं, दे बाय सेवरल। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर खुद ही इतने सालों से खुद 30-40 पेंटिंग सेलेक्ट करते हैं। अभी आप बोलते हो ये 30 पेंटिंग नहीं करेगा क्या? वो लोग अपने लोगों को दिवाली में जब गिफ्ट भेजते हैं तो पेंटिंग भेजते हैं, न्यू ईयर में गिफ्ट भेजते हैं। सपोज महाराष्ट्र का एजुकेशन मिनिस्टर अगर महाराष्ट्र के मिनिस्टर्स के लिए या दूसरे सीएम को जब गिफ्ट भेजता है तो बॉक्स में हमारा पेंटिंग भेजता है, वो पेंटिंग पर चिपका हुआ रहता है स्टिकर, दिस पेंटिंग एक्सलेंट पीस ऑफ आर्ट इज मेड बाय अ स्टूडेंट आर्टिस्ट जिसका नाम ये है, राइट। और इसका 50% पैसा चैरिटी में जाता है। तो जब 2000 में बिकता है 1000 रुपया हम आपको देते हैं और 1000 रुपया हम चैरिटी में विलेज कॉल्ड सड़क पाड़ा, उस विलेज में सड़क पाड़ा में हम पैसे को डोनेट करते हैं। अभी कितना सेटिस्फेक्शन हुआ लेटेस्ट, नंबर वन सेटिस्फेक्शन कब मिला? जब आपने पेंटिंग किया। दूसरी बार कब मिला? सेलेक्ट अगर होता है तो सर्टिफिकेट। तीसरी बार सेटिस्फेक्शन कब मिला? अगर आपने फ्रेमिंग के लिए भेजा तो वहां मेडल मिला और वापस सर्टिफिकेट मिला। चौथी बार सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब आपको पेंटिंग बिक जाता है तो ऐसे वाला आपको चेक मिलता है, चेक पर लिखा हुआ है SKCN सूर्यकांत बरल has first prize for winning the grand finale, यानी यार इतना कि grand finale जीत गया और उसका पेंटिंग बिक गया और 2000 रुपया उसको दे रहे हैं। अगर 2 पेंटिंग बिक गया तो वो 4000, 3 पेंटिंग बिक गया तो 6000 ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं। ये सर्टिफिकेट फ्रेम किया हुआ है, कभी खराब नहीं होता, चेक का सर्टिफिकेट देते हैं। इसी वहां पर आप देखे होंगे शाल्टन ने चेक पकड़ा है 5 लाख का, आपने देखा मल्लिका ने चेक पकड़ा है ट्रिप टू जापान, तो आपको चेक देते हैं ऐसा वाला, बड़ा देखा आप घर पे कहाँ रखोगे ऐसा वाला देते हैं ताकि घर पे रखे कहा मिले। तो ये चेक आपको मिलता है साथ में एनवेलप में, एक पेंटिंग का लिखा 2000 है कि आपको देते हैं 1000। क्यों 1000? आपकी तरफ से हम चैरिटी में देते हैं, कहाँ चैरिटी में? सड़क पाड़ा। अब और एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि मुझे चेक मिला, एंड लास्ट सेटिस्फेक्शन मैंने अपना कमाई का पैसा चैरिटी में दिया। और सेटिस्फेक्शन किसी ने मेरा पेंटिंग कदर किया और पैसे नहीं खरीदा, कौन खरीदता है? लिखा होगा पेपर खरीदते ही, यहाँ पर कोई आपका पेपर खरीद रहा है तो आपको अच्छा लगता है, वाओ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट इज वैल्यूड। तो एक ही काम करने से इतना सारा सेटिस्फेक्शन होता है ना। इन्वेस्टमेंट देखते हैं, अगर आपने 500 रुपए पेंटिंग को खर्चा नहीं,
₹500 देके फ्रेम भेज दिया, ₹600 देके फ्रेमिंग भेज दिया। पहला बार सर्टिफिकेट सिलेक्शन का मिल गया, एक फ्रेम भेज दिया तो ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट दोबारा मिल गया। थर्ड आपके गेस्ट मिला, फोटो निकाला। फोर्थ अब बिक गया, फिर से चेक मिला और ₹1000 रिटर्न आ गया। ₹500 प्रॉफिट में हूँ, ₹1000 दिया, मैंने ₹600 दिया फ्रेमिंग को, ₹1000 मिल गया और इतना सारा सेटिस्फेक्शन मिला। यदि पूरा चीज फायदे का सौदा है तो मैं बोलता हूं आपने इसमें पार्ट लेना ही चाहिए, भाग लेना ही चाहिए। बट इतने बच्चे हैं, इनमें से कम ऐसा होता है सिर्फ 30% बच्चे भाग लेते हैं, बाकी 70% बच्चे भाग लेते हैं। अभी 12:30 बजे तय होगा कितने लोग डिसाइड करते हैं मैं भाग लूंगा और कितने लोग बोलते हैं मैं भाग लूंगा। दैट डिपेंड्स, इसलिए मैं बात कर रहा हूं ताकि भागो मत, भाग लो। अभी लास्ट पॉइंट इज क्या चेंज लाया हमने इसमें। चेंज ये लाया है हर लेवल को हमने ए और बी में डिवाइड किया है। अर्लियर इट वाज ओनली लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अब चेंज हो गया। लेवल 1 ए 1 बी, लेवल 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। ऐसा क्यों किया? बी लेवल में एक पेंटिंग करना है, 1B, 2B, 3B में एक पेंटिंग करना है, यहां करना है। 1A, 2A, 3A में अलग अलग पेंटिंग, 1A में एक पेंटिंग, 2A में एक से तीन, मिनिमम एक मैक्सिमम तीन, और थर्ड लेवल में अनलिमिटेड पेंटिंग का सबमिट, मिनिमम एक अनलिमिटेड सबमिट कर सकते हो जब से लागे। अभी कंडीशन क्या है, अगर 1A में आपने टॉपिक पर किया एक पेंटिंग तो उसी लेवल में कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हो या सेम पेंटिंग या कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंडीशन एक ही है कि यहां किया हुआ पेंटिंग सेम मीडिया यूज करना चाहिए, सेम मीडियम। मतलब अगर 1A में पेंसिल से किया तो 1B में पेंसिल ही करना चाहिए, 1A में वाटर कलर यूज किया तो 1B में भी वाटर कलर यूज करना चाहिए, 1A में अगर आपने स्केचपेन यूज किया 1B में भी स्केचपेन यूज करना चाहिए, 1A में आपने वाटर कलर प्लस क्रेयॉन यूज किया 1B में वाटर कलर प्लस क्रेयॉन यूज करना है। मतलब 1A में जो मीडिया यूज किया 1B में वही मीडिया यूज करना चाहिए। यू कैन नॉट चेंज द मीडिया, यू कैन चेंज द डिजाइन। 1A में आपने एक टॉपिक किया, 1B में अलग टॉपिक चलेगा, लेकिन सेम मीडिया। ऐसा क्यों किया हमने? हमने देखा लास्ट ईयर जब पेंडेमिक में घर से बनाया था, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग आया, इतना एक्सीडेंट आया कि यकीन नहीं होता है बच्चे ने किया। फिर मालूम पड़ा कहीं कहीं से अपना सूत्रों से कि ये पेंटिंग बच्चे ने नहीं किया, आइदर उसके पापा ने किया है या अंकल ने किया है या किसी आर्टिस्ट ने किया है या नेबर ने किया है, यहाँ लाके सबमिट किया है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। चलेगा पापा ने किया तो ये पापा के साथ में सीखो ना, पापा करेंगे आप सीखो, पापा सेकंड पेंटिंग करो, थर्ड करो, जब तक सीखेंगे 4 दिन है ना, रोज करो। एंड एक बार सीख के आप कि कैसा करना है पेंटिंग, फिर यहाँ के वही मीडिया में करो। हो सकता है उतना परसेंट नहीं हो जितना 1A हो, कि पापा के साथ में उतना परसेंट नहीं आएगा, चलेगा 90%, 80%, 60% उससे आसपास आया तो भी चलेगा। लेकिन घर का पेंटिंग सबमिट किया और यहां कर नहीं पाओगे तो आपका 1A सेलेक्ट नहीं होगा। तो 1A अगर सेलेक्ट करना है तो 1B करना सीखो हमारे सामने। वैसे सेकंड लेवल में आपने 3 पेंटिंग दिया, तीनों में आपने अलग अलग मीडिया यूज किया, यहां पर एक मीडिया यूज करना चाहिए उसमें से जो आपने सबमिट, सेम मीडिया में यहां करके दिखाओ एक पेंटिंग। वही 3 में आपने बहुत सारा पेंटिंग सबमिट किया, वही मीडिया का एक पेंटिंग आपको सबमिट करके दिखाना चाहिए। और अंडरस्टूड? यानी हर लेवल में घर से लाने का पेंटिंग 1A में है और यहां से बनना है 1B। अभी 1A का डेट है 5 जनवरी, 1B का डेट है 9 जनवरी, 1B यहां पे करना है, सबको नहीं करना है। जिन्होंने 1A सबमिट किया वही 1B करेगा, 1A में नहीं सबमिट किया 1B में आप नहीं पार्ट ले सकते हो। वैसे 2A 1B के बाद 2A नहीं किया 2B में आउट हो जाओगे आप, कंपटीशन में बाहर हो जाओगे। और आपको अगर 8 फ्लू में जाना है सारा लेवल कंप्लीट करना जरूरी है, कोई भी लेवल में छोड़ गए पूरा पेंटिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कोई एंट्री भी नहीं है। सिर्फ अपने अंदर के आर्टिस्ट को जगाओ और कैनवस पे डालो। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आप मुझे बताने के लिए कोई भी रूल में डाउट है तो पूछो मुझे। अभी बच्चा पूछेगा कैन वी यूज मोर देन 1 मीडिया, यस यू कैन यूज मोर देन 1 मीडिया, पर जितना मीडिया 1 लेवल में यूज किया उतना ही मीडिया 1B में यूज करना चाहिए। 1A का डेट कभी है ग्रुप में आया है, 1B का डेट कभी है ग्रुप में आया है, डेट के बाद में सबमिट करना नहीं चलेगा। माय लास्ट क्वेश्चन, माय लास्ट स्पीक टू ऑल ऑफ यू इज अ वंडरफुल
ये इनफैक्ट जब महाराष्ट्र का एजुकेशन मिनिस्टर जब थे, अभी तो नहीं है, गवर्नमेंट मंत्री हो गया बताया सबको, जब थे ही लाइक द कॉन्सेप्ट सो मच, द आइडिया ऑफ बच्चे पेंटिंग करना, बच्चे का पेंटिंग बेचना, और फिर कोई गरीब गरीब सड़क पाड़ा में आदिवासी विलेज को हेल्प करना, हर स्कूल ऐसा पार्टिसिपेट करेगा, इंडियन विलेजेस इतने ऊपर आ जाएंगे, सच बात है ना। इनफैक्ट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी विलेज में, लाइक आपका बहुत पे घर पे टॉयस है जो आप यूज नहीं करते हो, यू यूज टॉयस यूज नहीं करते हो, दो महीना चार महीने छह महीने कहकर फेंक देते हो, पर गांव में जो बच्चे हैं आदिवासी गांव में, उनके पास टॉयस नहीं होते हैं, अभी भी वो नारियल का शेल में कुछ खींच के रस्सी से उसमें खेलते हैं। हम चाहते हैं हम आपके टॉयस कलेक्ट करें, ट्रक में डाले और वहां जाके उन बच्चों को हम दें, वो बच्चों को भी आपके जैसा टॉयस खेलने में ले, ये नेक्स्ट लेवल है, दैट्स अ लिटिल वे दैट सोसाइटी दैट वी कैन डू, क्लियर। आई डोंट नो हाउ मेनी आपके साथ मेरे साथ होंगे, पर जितने होंगे अगर कॉन्सेप्ट दूसरा स्कूल ने पिकअप किया, तीसरे स्कूल ने पिकअप किया, हम खुश हैं, फिर कोई ना कोई हमारा गांव, हमारा बाजू का गांव, जो आदिवासी बच्चे हैं वो हमारे इतने प्रिविलेज नहीं है, लेकिन उनके आप स्कूल में जाओगे तो फर्स्ट थिंग है जिसे डोवर है ग्राम पंचायत स्कूल, so we would like to help them by doing all this, right? Sunita is chairman of Artist Board. इन्होंने मुझे वादा किया है कि टोटल स्कूल एंड कॉलेज में 300 जन भाग लेंगे, उसमें स्कूल में से 200 लोग लेंगे, ऐसा बोला है।